हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 14, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13, मतलब डे 13 का जो होमवर्क दिया था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर है 0। ठीक है, इसमें क्या पूछा था मैंने, लास्ट डिजिट पूछी थी, दैट मीन्स यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, द लास्ट टू डिजिट। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि लास्ट टू डिजिट वाला अभी तक गेट में आया नहीं है, लेकिन इस टाइप का पैटर्न कैट में आ चुका है, तो हम लोग जरूर देखेंगे इसको कि इसका आंसर क्या होगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। एक नंबर है, देख सकते, एक काफी बड़ा नंबर है, उसकी पावर में सारा लिखा हुआ, जो भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ पावर में आप लोग अज्यूम करा करो, क्योंकि यहाँ पे जब मैं जहाँ से प्रिपेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट, दैट मींस ये जो भी इमेज मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो वो वहाँ पे ना ऐसा कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए रहता नहीं कि पावर हम लोग जा डायरेक्टली वहाँ पे लिख पाए। तो अभी जब लास्ट टू डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, एक सेकेंड, लास्ट टू डिजिट, तो इसमें दो कैटेगरी हैं। एक तो क्या है कि जिसकी यूनिट डिजिट वैल्यू वन हो, यूनिट डिजिट वैल्यू वन हो, ठीक है, एक सेकेंड, और जिसकी यूनिट डिजिट वैल्यू वन ना। देखो, ऐसे कोई नंबर अपन को दिया है, सपोज करो 51 है, 21 है ना, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, वन है। तो इस टाइप का एक पैटर्न होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जिसमें यूनिट डिजिट वैल्यू वन नहीं है, दैट मीन्स वन नहीं है, उसको हमने टू कैटेगरी में कैटेगराइज करा है। तो क्या करा है, जिसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो, 3 हो या 7 हो या 9 हो, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक और कैटेगरी यहाँ पर करा है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें सारे कवर हो गए हैं। मतलब जिसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, यहाँ पे सपोज करो 13 लिखा हुआ है, एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका हमें मतलब इस टाइप से 2 डिजिट का नंबर रहेगा, इसकी कुछ ही पावर रहेगी, तो इसका हमें क्या बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। इस तरीके से 2, 4, 6, 8 के लिए भी आप आराम से, अभी मैं जस्ट बता देता हूँ कि जिसकी यूनिट डिजिट पे इतने हो, उसकी पावर आवर कुछ भी हो, वो हम सब लोग सब कैलकुलेट करेंगे, बट अभी केवल यूनिट डिजिट के हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो अभी आप देखोगे कि आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपको यहाँ पे वन मिल रहा है, तो आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसी का एक क्वेश्चन है। तो अभी फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो एक मेन नंबर है ना, और यहाँ पे उसका वन होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। ये कौन सा प्लेस होता है, ये आपका प्लेस होता है यूनिट डिजिट। पावर पावर भैया कुछ भी हो, पावर भाई साहब कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर कुछ भी होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही आसान होता है, जिसमें मैं फर्स्ट केस लेता हूं, लास्ट टू डिजिट फाइंड करना है हमें, जिसमें क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू होनी चाहिए वन। तो मैं एक सेकेंड, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, सपोज करो कि 21 की पावर मैं लेता हूँ 23, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है, वन। वन को खींच के आपको ज्यों करते हो लिख देना है, वन को खींच के आपको ज्यों करते हो लिख देना है, ये होता है आपका यूनिट प्लेस। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यूनिट प्लेस, ये आपका होता है टेंस प्लेस। ये चीजें छोटी छोटी चीजें ना आप लोग याद रखा करो, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाला भी आपका यूनिट हो गया, ये वाला आपका टेंस हो गया, पावर की बात कर रहा हूँ आपको। तो अब इसमें
एक 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 पैटर्न है, एक ट्रिक है कि आप लोग जो भी यहाँ पर टेंस प्लेस पे देखोगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है, उतने बड़े नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो टेंस प्लेस में लिखा है और जो यहाँ पे यूनिट प्लेस में लिखा है, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, इबन आपको ने खींच के लिख दिया, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और इनको जगह देख के ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, और ये लेफ्ट साइड चिपका दो, 3 2 6। ठीक है, तो मतलब आपका 61 हो गया, इसका लास्ट टू डिजिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट कितनी है आपकी, 1। लास्ट टू डिजिट कितनी है, 61। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और मैं इस पे कराऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज करो 11 लिखा है, 11 की पावर 2 है। सिंपल सिंपल चीजों से आप लोग ना रिलेट करा करो, पहले सिंपल एक बार चीजें बना लोगे, थोड़ा उससे अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी कर लोगे ना, तो फिर क्वेश्चन आराम से बनेंगे। देखो अभी इसमें यूनिट डिजिट ही बस है, टेंस प्लेस का कुछ भी नहीं है। पहले तो आपको क्या करना है, 1 को पकड़ो और कहो भैया तुम आओ अपने आंसर की तरफ। यहाँ पर जो टेंस प्लेस पे है और यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे है उसको कर दो मल्टीप्लाई और कहो कि आ जाओ। लास्ट टू डिजिट कितनी हो गई, 21। अगर 11 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आता है, 121। तो लास्ट टू डिजिट कितनी हो गई आपकी, 21। लास्ट टू डिजिट कितनी, 21। लास्ट में लास्ट के दो नंबर कितने हैं, 21। इसके अलावा हम लोग 11 की पावर 3 भी करो तो कोई इशू नहीं है आपको, सीधा लिखो 1 और 3। ठीक है, इसका क्यूब कितना होता है, क्यूब होता है 1 3 3 1। ठीक है, तो आप लोग आराम से सीख लोगे इसका। अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि कोई कहेगा कितने कम एग्जांपल क्यों लिए, तो स्क्वायर लेते हैं हम पहले, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 को पकड़ा, एक सेकंड दूसरे कलर से पकड़ता हूँ मैं, अरे ग्रुप सिलेक्ट हो जाओ यार। 1 से वो पकड़ा, नीचे खींचा, इसको मल्टीप्लाई करा इसकी यूनिट डिजिट से, इसको खींचा और यहाँ लिख दिया कितना था, 4। 41 आपका आंसर है। इसका स्क्वायर आपको पता है 411 होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका 41। इस तरीके से आप लोग और कर सकते हो, अगर मैं एक दो क्वेश्चन और कराने की कोशिश करूँ, 21 की पावर 3, तो इसका आप किस तरीके से करोगे, इसका करोगे आप 3, सॉरी पहले तो आपको 1 को फेंक देना है सबसे नीचे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लिख देते हैं, 3 2 6 61 हो गया। इसका कितना क्यूब होता है, क्यूब होता है इसका 9 2 6 1, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली अगर 31 की पावर 49 है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी है अगर यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट को खींचो नीचे ले आओ, इसको मल्टीप्लाई करो इसकी यूनिट डिजिट से, ये 10 और यू का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, जो भी आ रहा है 9 7 63, 63 मीन्स 63, तो हमारा ये कितना हुआ, 31। ठीक है, ओके 31। एक सेकेंड, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है। थर्टी वन ही क्यों आ रहा है, ओके ओके हाँ, मैंने ना रॉन्ग मल्टीप्लाई कर दिया है, 9 3 27 यार, सॉरी सॉरी, वही तो सोचा 31 का, 31 कैसे आ गया है, आ सकता है बट थोड़ा सा, एक सेकेंड, 1 3 9 27 2 21, सो 27, तो इसका 71 आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड और, 41 का आप लोग लिखोगे कितना, क्वेश्चन में पिक कर लेता हूँ थोड़ा सा, 9 9 8 7, 41 का 1 यहाँ पर डाला आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसकी यूनिट डिजिट से, 4 7 28 की 8, हमें लास्ट टू से मतलब है, सिर्फ हमें फोकस करना है लास्ट टू डिजिट पे। तो अभी एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको,
उसके पहले मैं आपका एक क्वेश्चन कर देता हूँ जो ये मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और इसको मैं सेकंडों में कर देता हूँ, आप लोग भी कर दोगे सेकंडों में, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आपको ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं। व्हाइट पेन ना लेके मैं रेड ले लेता हूँ। इस बन को मैंने क्या बोला था, इस बन को पकड़ो और नीचे खींच के ले आओ, बोलो आओ इधर आओ, उसको थोड़ा बुलाओ प्यार से, इधर आओ इधर आओ। इस यूनिट डिजिट का इस टेंस वाले से मल्टीप्लाई करो और ज्यों कहते हो लिख दो, 6 3 18 की 8 हासला 1, कुछ भी आए हमें क्या करना है, 81 हमारा आंसर है, लास्ट 2 डिजिट से हमें मतलब है। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद एक आपको प्यारा सा प्रॉब्लम मैं होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 51 की पावर 999 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे कि आपने जो पैटर्न बताया कि लास्ट यूनिट डिजिट होनी चाहिए, उसको वन होनी चाहिए और वन को खींचो नीचे ले आओ, ठीक है, बट 9999 ने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये टेंस प्लेस ठीक है हमें दिख रहा है, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, 99 से मैं एक सेकेंड में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि 5 फैक्टोरियल होता है ना जो आपका, 5 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल, तो आप लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, 4 × 3 × 2 × 1, इसको भी आप लोग लिखोगे कितना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से आप लोग लिखोगे ना, तो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट की बात करते हैं हम लोग। ऐसे मत करना कि यहाँ पे बना रहा बन लिख दो डायरेक्टली, ये मल्टीप्लाई में हाई मल्टीप्लाई ले करोगे ना, तो जो नंबर आएगा ना वो 120 आएगा, तो जो 120 है, एक सेकेंड, एक बढ़िया क्लू मिल रहा है यहाँ से, 24 है, तो जो 120 है आफ्टर ग्रेटर, मतलब आफ्टर एन फैक्टोरियल, मतलब एन का अगर हम ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल बोलें, तो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि आपका ना यहाँ पे पेयर बन जाएगा ये 5 एंड 2 का, उसके बाद नेक्स्ट में जितने ही मल्टीप्लाई करोगे सब में पेयर बनता रहेगा। 4 में 0 क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि 5 एंड 2 का पेयर नहीं बन पा रहा था, तो यूनिट डिजिट इसकी होगी कितनी, 0। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ग्रीन पेन, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट कितनी होगी इसकी, यूनिट डिजिट होगी 0। तो 0 में 2 0 × 2 करोगे किसमें, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 5 में, तो कितना लिखोगे आप, 0 में 5 में, तो कितना होगा 0, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 0, आंसर आएगा आपका 0 एंड 5। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा इसमें। अब मैं कितना टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करूं, एक नया क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप लोगों को कुछ और दिया जाए। ओके ठीक है, एक सेकेंड। ओके सो ये है आपका नंबर 5 3 2, ठीक है, और 1, उसके बाद की पावर, पावर में देखूंगा आपको क्या दे रहा हूं मैं, 1 2 3, एक सेकेंड, पावर में मैं कुछ ऐसा देता हूँ आपको कि आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, 0 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, लास्ट
डिजिट आपको बतानी है। क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिलेगा, मैंने खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद ही अभी जनरली रिसेंटली ही क्रिएट किया, अपने आप ही यही क्लास में ही क्रिएट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, आई होप कि मजा आया होगा। डे आपका कौन सा था, 14 था ना आई थिंक। हाँ डे 14 में आपको मजा आया होगा। इसके अलावा जो दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, कौन कौन से, यूनिट डिजिट वैल्यू जिनकी वन नहीं है, जिनकी वैल्यू वन नहीं है उनमें क्या है, किसी की वैल्यू 379 है और किसी की वैल्यू है। दो क्वेश्चन इस पे और बनेंगे, दो कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आप लोगों को रिमाइंडर वाला रह गया हमारा, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, मतलब आफ्टर टू वीडियोज में यहाँ लिख देता हूँ। आफ्टर टू वीडियोज हम रिमाइंडर थ्योरम पर काम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन काफी आते हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और बचता है डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी का, डिविजिबल वाई टू थ्री, इस टाइप से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे ट्राई करेंगे। तो अभी 14 वीक चल रहा है, तो विद इन 20 वीक 20 डेज में हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। बहुत ही आराम आराम से हमने करा है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है जितना गेट में रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपको अगर लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट कभी हम लोग उसको जरूर रेज कर देंगे और जरूर उसका क्वेश्चन शेयर कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब करो और अच्छे से, मतलब सब लोगों को अपना शेयर करो दोस्तों को। और बेसिकली ना इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको धीरे धीरे, और डेली डेली आप लोग सीखते जाओगे ना, तो एक एक आपका सीखने का ना प्रेशर भी नहीं इसमें कुछ होगा, और सीखने का जो प्रोसेस है ना आपका वो बहुत स्लोली स्लोली है। तो जो स्लो 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 चलेगा ना, वो आराम से सब चीज़ों को समझते हुए चलेगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेगा। बाकी गेट के प्रीवियस ईयर तो आपके हैं ही हैं और आपको लगानी है, तो बाकी बातें मैं बाद में करूंगा आपसे कभी और मिलके, कभी यूट्यूब पे लाइव वाइव वगैरह भी करेंगे हम कभी ना कभी। तो ये 5 महीने हैं, मैं आपके साथ डेडिकेटेड रहूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक एक बात और लास्ट में मेरे को याद आ गया कि मैंने एक मेंटर से प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम और गेट 2024, ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी अराउंड 13 या 14 लोग जुड़ चुके हैं, मैं ज्यादा लोग वैसे भी नहीं लूंगा, तो अराउंड 50 का राउंड ही लूंगा, मैं 50 का राउंड ही लोग लूंगा। तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। मैं हर संडे इसमें मीटिंग करूंगा, हर संडे रिव्यू मीटिंग होगी वन टू वन, और जिसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब एक्चुअली में कहाँ आप लैग कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखोगे, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं दे रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, सारी चीजें, मतलब A to Z एक्सेल सीट है मैंने एक्चुअली बनाई हुई है, और काफी लोग उसमें अपडेट कर रहे हैं जितने लोग जुड़ चुके हैं, और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अपडेट सीट से क्या होगा कि सीट अगर आप अपडेट करोगे ना, तो उससे एक चीज बहुत अच्छी होगी जो आपका डेली पैक्ट, मतलब डेली आपका जो रूटीन बन जाएगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना बहुत बढ़िया चीज है सच में, क्योंकि उसमें डेली अपडेट करोगे। मैं इवनिंग या कभी ना कभी दिन में एक मैसेज डाल देता हूँ कि भैया सब लोग अच्छे से पढ़ो और अपडेट जरूर करते रहो, रात वगैरह में चेक करता हूँ। वो संडे को तो सामने सामने रहेंगे ना, तो बोलेंगे क्यों नहीं भैया फिल करा है, क्यों नहीं करा है, अगर नहीं करा है, अगर सबने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 799 का है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। एवरी संडे आपकी वन टू वन मीटिंग होगी, मेरे को भी काफी टाइम लगता है सब चीज़ों को रिव्यू करने में, मेरे को भी अपना टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने भी प्रोग्राम पेड रखा। अदरवाइज मैं फ्री भी कर सकता था, पर फ्री के लिए फिजिबल नहीं था, बहुत सारे लोग अननेसेसरी मिसयूज कर रहे थे प्रोग्राम का। मैंने दो मीटिंग फ्री में भी ली थी, तो उसमें बेसिकली इशू क्या आ रहा था कि जब भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों को,
इसलिए मैंने ये पेड रखा है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। अगर किसी से कंपेयर किया जाए किसी और की फीस से या किसी के और गाइडेंस प्रोग्राम से, तो लोग इसी गाइडेंस प्रोग्राम का, लोग इसी गाइडेंस प्रोग्राम का 8K से लेके 10K तक चार्ज करते हैं, और ना जाने कितना चार्ज करते हैं इसी गेट गाइडेंस का, जिसमें कुछ नहीं वो कराते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, जिनके सॉल्यूशन ऑलरेडी होते हैं तो उनको सॉल्व करा देते हैं। एक्सप्लेन करना अच्छी बात है, बट इतना हाई चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे को तो ये लगता है इतना हाई चार्ज क्यों करे कोई, कोचिंग ऑलरेडी बच्चा ले रखा है, वो 20 to 30 thousand का वो कोर्स ले रखा है कहीं से, अब वो गाइडेंस के 8 to 10 के कहाँ से लाए, मतलब सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में, और आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और एक्चुअली ना अभी दो लोगों के पास फी नहीं थी, तो मैंने उसको ऐसे उन लोगों को अलाउ करा, क्योंकि मैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दो लोगों को मतलब मैंने ऐसे अलाउ कर रहा है, दो टू पीपल है, मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन टू पीपल है मैंने अलाउ करा है, और वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उसको, और बाद में वो कर देंगे फीस, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अभी बहुत सारे उनको इशू थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जितना मेरे एंड से हो पाता है, अगर वो कोई सीरियस है और कोई अच्छा है तो वो मेरे को पता चल जाता कौन सीरियस है कौन क्या है, तो वो उनको भी मैं बहुत दिनों से जानता था एक्चुअली, तो मैंने दो लोगों को अभी के लिए तो फ्री कर रखा है, बाद में उनकी इच्छा हो देंगे, नहीं तो वो फ्री ही रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो साथ साथ में कुछ भी इशू होता है, अगर जैसे आपको अरे कुछ प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो मेरे को लगता है कि रियल है, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज इतना फी पे करने में कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।